आप यहां इस केस में लंबा लड़ रहे हैं या आपके किसी भी केस में आपको रेगुलर डेट्स मिल रही हैं, और दुख की बात यह है कि आप दिल से जानते हैं कि आप झूठा केस फेस कर रहे हैं। स्पेशली जो एफआईआर के थ्रू केस लॉन्च होते हैं उनसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें दिक्कत यही हो जाती है कि आप केस लड़ रहे हैं, डेट चल रही है, एक दिमाग में सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि हम केस तो लड़ रहे हैं पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें जबरदस्ती बस कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया गया है, दो लाइन लिख दी है किसी ने हमारे खिलाफ और उसी के आधार पर केस चल रहे हैं। कभी तसल्ली से बैठ कर सोचा है क्या कि इस तरह का केस आपको लड़ना ही नहीं है? आप पेड़ पर जिस पर जाकर बैठ गए केस के नाम पे, उसकी जड़ में तकलीफ है ही नहीं आपके। यानी कि अगर कोई मजबूत पेड़, विशाल पेड़ खड़ा है, यानी कि जैसे आपका केस है आपको मजबूत लगता है, विशाल लगता है, बड़ा लगता है, अगर उसकी आप जड़ काट दें तो क्या औकात है उस पेड़ की कि वो खड़ा भी रह पाए, एक दिन भी, एक घंटे भी खड़ा रह पाए। अगर पूरी पूरी जड़ उसकी डिस्ट्रॉय कर दी जाए, उसमें दीमक लग जाए या उसमें तेजाब डाल दिया जाए तो पूरी खराब हो जाएगी, और खराब होते ही पेड़ धराशायी, उसकी विशालता किसी काम की नहीं। ऐसा ही झूठे केसेस का मैटर होता है। ये जड़ कहां से पकड़ेंगे और किस तरह से लेंगे, यही आज का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों आप एजुकेटेड बनिए, और एजुकेटेड करने के लिए हम यहां पर चलाते हैं आपके लिए दो तरह के कोर्सेज। एक क्रैश कोर्स होता है जिसमें आप खुद प्री रिकॉर्डेड वर्जन को देखकर सुनकर अपने केसेस को रिजोल्व करने के आइडियाज और ट्रिक्स वहां से देख सकते हैं। दूसरा मेन कोर्स होता है जिसके अंदर मैं और मेरी अनुभवी टीम आपके साथ जुड़ती है, आपके हर पग पग पे जितने भी केसेस के अंदर कभी भी डेट्स हैं, अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन है, या फिर आपको थाने जाना है, या फिर कोर्ट में और कोई कार्रवाई है, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इंप्लीमेंटेशंस, उसके अलावा थ्योरी का एक बेहतरीन ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हम आपको डेवलप करके देते हैं। उसे फायदा क्या होता है? उसे फायदा ये होता है कि अगर आप ये सब रिसर्च करते हैं तो एक तो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, दूसरी उसमें आपको बहुत लंबा टाइम आ सकता है, और कई वीडियोस, कई स्टडीज करने के बाद छोटा सा कोई आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, और कई बार नहीं भी मिलेगा। हमारे पास वो सारा अनुभव है और हम आपका रास्ता आसान कर देते हैं। ये कोर्सेज जो है वो आपके केस को ध्यान में रखकर इंडिविजुअली आपके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, बहुत फायदा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नॉलेज उनकी जबरदस्त है, और अच्छी बात यह है कि काफी लोग निकल भी चुके हैं और बहुत कम टाइम और पैसा खर्च करके। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल शेयर कर दी जाएगी और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करके अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो जरूर लीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट भी बुक होकर बात करने का टाइम दीजिएगा, फिर सलाह दी जाएगी आपको। देखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आप अच्छा खासा अपना जीवन जी रहे हैं, चलते फिरते आपके जीवन में एकदम से झटका आ जाता है, यानी कि एक बहुत 180 की स्पीड पर जाती हुई गाड़ी बैंग करके एक दीवार एकदम से उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो पूरी की पूरी चकनाचूर हो जाती है। झूठे केस इसी तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। आदमी अच्छी खासी अपनी हस्ती खेलती जिंदगी में तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर देखने लग जाता है। असल में ये सारा सौदा, ये सारी डील जो है, ये भय की है। आपके अंदर भय डाला जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि जो लोग झूठा केस आप पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पुलिस वाले हों या कोई और हो, तो वो आपके अंदर डर से इसको घुसाते हैं। अदरवाइज अगर आपको सच्चाई पता लग जाए तो आप किसी से डरने वाले नहीं है। तो आज उसी सच्चाई को रिवील करते हैं आज के वीडियो में। देखिए, असल में मैंने जड़ की बात की थी वीडियो के शुरू में। जड़ क्या होती है? कोई भी क्रिमिनल केस किसी पे लगता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफआईआर। एफआईआर होने के बाद असल में वो ऐसी फर्जी इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती है जिसके अंदर हवा हवाई बातें होती हैं, सबूत कुछ होता नहीं है। एफआईआर को कट कॉपी पेस्ट करके चार्जशीट बना देते हैं और चार्जशीट से ही आपके चार्जेस बना के केसेस चालू जाते हैं, आपके बयान जो 161 वगैरह के हैं वो भी चालू हो जाते हैं। अब इसमें नुकसान किसको हो रहा है? जो झूठा केस फेस कर रहा है। सोल्यूशन देने वाले क्या कहते हैं? सब केस लड़ना पड़ेगा भाई, उनकी भी तो आय अर्जन का एक साधन बन गया ना, तो उनको तो आय अर्जन पे दिमाग लगाना है, यानी इनकम पे दिमाग लगाना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आप झूठा केस फेस कर रहे हैं। अवेयर आपको होना है, समझना आपको है, सोचना आपको है। तो क्या सोचना है वो समझिए। एक ऑप्शन होता है जो संवैधानिक अधिकार है, और ये संवैधानिक अधिकार आपको मिलता है बहुत आसानी से, यानी कि आपकी लाइफ और लिबर्टी को स्टेट, यानी कि सरकार, स्टेट हैम्पर नहीं कर सकती। स्टेट को भी राइट नहीं है कि बिना किसी कारण के आपको ब्लॉक कर दे लाइफ के अंदर किसी झूठे केस के नाम पे। उसी आधार पर अगर आपके केस के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर एफआईआर हो गई है, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, थोड़ा इसको सरल कर लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं अरे पुलिस ने लिख के तो दे दिया, इन्वेस्टिगेशन हो गई। नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सच्चाई को बाहर लाना, यही इसकी सही डेफिनेशन है, यानी सबूत इकट्ठे करके सच्चाई को बाहर लाना, तब किसी के खिलाफ आरोप तय होते हैं।
बिना सबूत के अगर आरोप बनाए जाते हैं तो पुलिस वालों को जेल भी होती है, जुर्माने हर्जाने भी देने पड़ते हैं पार्टियों को, पर पार्टियां सोचती हैं कि पुलिस वाले से दुश्मनी कौन ले। वो अलग बात है कि पुलिस वाला उनसे बिना चाहे दुश्मनी लेकर उनकी जिंदगी कभी भी तबाह कर सकता है। जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की है उससे दुश्मनी क्या ले? और एक सरकारी आदमी अपनी सरकारी नौकरी में किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। पुलिस वाला किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता है, वो सरकारी नौकर है, सरकारी काम कर रहा है। अगर उसने किसी से दुश्मनी ली और कोई आदमी पर्सनली उसके पीछे पड़ गया तो वो उसके बस की बात नहीं है, ऊपर से रौब दिखता है अंदर से सब। देखिए इनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने में सहयोग करना है, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करते भी हैं, पर जब गलत काम पे आ रहे हैं तो मुझे आपको इनकी असलियत भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो हमारे हिंदुस्तान में काफी पुलिस वाले देखे जाते हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं जिनकी हम लोग बानगी देते हैं और उनके बारे में उदाहरण देते हैं, तो कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को थोपली खोखली बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। गलती यह भी है कि वहां पर संज्ञान क्यों लिया गया जब वहां इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंस नहीं है। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी, कोर्ट केस चल रहा है उसको भूल जाइए, अब इतने पे हम बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर? आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एसपी साहब के पास। अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर मेरा केस चल रहा हो तब भी मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने डिस्कशंस में भी देखा है कि कई बार वो कहते हैं कि साहब हमने एसपी साहब को भी कंप्लेंट डाली थी पर कई बार रिस्पॉन्स नहीं आया। कई लोगों को रिस्पॉन्स आया, रिजल्ट आया। तो इसके अंदर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आपको वहां पर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत आरटीआई लगानी है, जिस रजिस्टर्ड डाक से पहले एप्लीकेशन भेजनी है, उसके बाद तुरंत उसके बाद आपको आरटीआई लगा देनी है। पर इससे पहले आप क्या करेंगे कि उनको कैसे लगे कि आपके फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? तो जो जो आरोप आप पे तय किए गए उसके सबूत आप आरटीआई के थ्रू संबंधित आयोग के नाम से मांग सकते हैं। डायरेक्ट जिस थाने में आपके एफआईआर दर्ज हुई है वहां पर आरटीआई लगा के मांगे कि देखिए आपने ये आरोप मुझ पर तय किए या इन्वेस्टिगेशन जो की गई है, तो इससे चार्जशीट सबमिट होने के बाद उनसे पूछेंगे इससे संबंधित आपके पास सबूत क्या है। सीधा सीधा जवाब आता है नहीं, जो उन्होंने बोला आपकी बीवी ने या आपके दुश्मन ने या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर रेप करने वाली लड़की ने, जो भी आपका केस चल रहा है, उस सूरत में नहीं होते सबूत, मना करना पड़ता है। उसको आधार बना के आप उस एसपी साहब के कंप्लेन के साथ दर्ज कर दें। अपने पास कोई अगर दो चार एविडेंस है तो उन्हें बिल्कुल अटैच करें, अगर डिजिटल एविडेंस है तो 65B का सर्टिफिकेट दे भी और ना भी दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहां पर इतना जरूरी है, कानून की प्रक्रिया जो है ये कोर्ट में ज्यादा मुखर रहती है, ज्यादा वहां जरूरत पड़ती है। अब बात सवाल ये उठता है कि एसपी साहब ने तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप डायरेक्ट आरटीआई लगाएं कि इस तरह की एक एप्लीकेशन मेरे पास से यहां पहुंचाई गई है एसपी ऑफिस, उस पर क्या कार्रवाई की गई? और ये आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप जब अपनी कंप्लेन दें तो उसमें लिमिटेशन सेट करें कि मुझे 3 से 5 दिन के अंदर इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से समस्या में आ गई है झूठे केस की वजह से। जवाब नहीं आए तो फिर वो 3 या 4 दिन की जो आपने लिमिटेशन डाली है उसके हिसाब से आपको आरटीआई लगानी चाहिए, आरटीआई लगा के जवाब मांगना चाहिए। आरटीआई एक ऐसा प्रमुख हथियार है, बहुत मजबूत हथियार है, जिसके अगेंस्ट जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है आरटीआई लगाते तुरंत वहां से कार्रवाई भी होती है कि हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं और अच्छा जवाब भी मिलता है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लाइन कुछ नहीं लिखनी कि मेरी एप्लीकेशन थी, ये रजिस्टर डाक से आई थी, इसका सीरियल नंबर था, डिटेल सारी वहां शेयर कर दीजिए और कहिए कि इस एप्लीकेशन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। आप इसे एसपी साहब के ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपने रजिस्टर डाक से भेजा उसी को वहां से एसपी साहब की ईमेल आईडी पे भी डालते रहे और वहां पे भी रेगुलर फॉलोअप लेते रहिए, वो आरटीआई जैसा ही काम कर लेती है। इसके बाद काम होना ही होना है, अगर नहीं होता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके बाद तुरंत ये सारा बंडल करके कि देखिए साहब गलत इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एसपी साहब को बोला, उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, आप सीधे डीआईजी को रिपोर्ट कर सकते हैं इस बात में कि सेम इसी तरह से रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। बाकी सब प्रक्रिया वैसी होगी, बस वहाँ एसपी साहब की जगह डीआईजी साहब के सामने ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और अगर वहां से जवाब नहीं आता तो आरटीआई लगानी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपके साथ अगर ये चीज हो गई, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास राइट होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, री इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अगर वहां से ऑर्डर हुआ तो आप तुरंत अपने कोर्ट में जाएं, उस ऑर्डर को दिखाएं कि देखिए साहब मेरे फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आ चुके हैं, तो कृपया आप इसको यहां पर रोकें केस को। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद तो अनकहा आपको एक स्टे मिल जाता है जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि फिर उसके फैक्ट्स वहां पर अटैच किए जाएंगे जो नई इन्वेस्टिगेशन से आपको रिपोर्ट बनकर मिलेगी, तो चार्जशीट को भी बाद में आप चैलेंज कर सकते हैं झूठे उसमें। अगर जब भी आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि सेम आयोग पर मुझे डाउट है कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, वो किसी भी हालत में मुझे फेवर जो है निष्पक्ष रूप से नहीं कर रहा है, एक तरफा हो रखा है, तो नया आयोग वहां अपॉइंट किया जाए। तो उससे फायदा यह होता है कि नया आयोग एसपी या डीआईजी के ऑर्डर से कोर्ट में केस चल रहा है दबाव में कभी गलत काम नहीं करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा सॉल्व करेगा, बकायदा जिस भी व्यक्ति ने या महिला ने आपके झूठे केस लगाए हैं उसकी प्रॉपर जांच करके उसके बयानों के आधार पर वहां रिपोर्ट बनाएगा जो आपके फेवर में रहेगी, केस तुरंत खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कराने के पैसे नहीं होते लोगों के पास, हाईकोर्ट जाने की इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि खुद भी जाके करके आ जाए, तो ये क्वेश्चन का काम करता है।
यह आपको रिजल्ट देगा। इसके अंदर बकायदा आपके 154 में भी ये प्रावधान है, 154 की परिभाषा इसी के ऊपर आधारित है, सीआरपीसी 154 की बात मैं कर रहा हूं, इसी पर आधारित है जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इस बात को लेकर निश्चित रहें कि आपको ये अधिकार आपके संविधान से मिलता है, आपके जीवन को लाइफ और लिबर्टी के आधार पर नहीं किया सकता। आर्टिकल 21 जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। आप मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि आज जड़ काटना सीख गए प्रॉपर्ली। अगर सीख गए तो बिल्कुल इस वीडियो को बंद करते ही अटैक करने की तैयारी कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि केस तुरंत खत्म होगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि यहां से कोई कंफ्यूजन रहेगा या कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। इवन आप जब इससे बरी होते हैं तो तुरंत पुलिस विभाग पर आप एक केस होगी और बकायदा वहां से मोटी राशि वसूल करने का डिमांड कीजिए, और होनी चाहिए क्योंकि आपको हर्जाना मिलना चाहिए। कोई आप लूट नहीं कर रहे हैं, ये आपका हक है। अगर आपको किसी ने गलत केस में फंसाया है तो संबंधित आयो और एसएचओ पर बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं कई लोग तो ये गलत पार्टी को प्रमोट करते हैं। पुलिस वालों की कोई दुश्मनी नहीं होती, उनकी स्थिति भी नहीं होती वो किसी से दुश्मनी लेने। ये जो आप समाज में बोलते रहते हैं पुलिस वालों से क्यों दुश्मनी लेनी, ये बेवकूफी वाला स्टेटमेंट है, इस पर फोकस मत कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते आज अपना चैलेंज बता के जाइएगा कि करेंगे या नहीं करेंगे या फिर एक वीडियो स्किप करके आगे बढ़ेंगे।